पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मृतकों की तादाद 1000 के पार पहुंच गई है। वहीं आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दुनिया से पाकिस्तान की मदद की गुहार लगाई। पड़ोसी मुल्क में कुछ यूं जल बवंडर उठा हुआ है। पानी के प्रचंड प्रहार से ऊंचे ऊंचे मकान ध्वस्त हो रहे हैं। पाकिस्तान कांप रहा है, आवाम त्राहिमाम कर रही है। हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं। पाकिस्तान की हुकूमत आपातकाल की घोषणा कर चुकी है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। पाकिस्तान में 30 बरस के बाद सबसे भीषण बाढ़ आई हुई है। 100 से ज्यादा जिलों में पानी भरा हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी है, सेना ने कमान संभाली है। मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखियर हजरात हैं कि वो सामने आए और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए। सिंध से लेकर खैबर पख्तूनवा तक अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ सैलाब से तबाही मची हुई है। पाकिस्तान में 90 के दशक के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है। एक पीढ़ी ने कभी ऐसी भीषण बाढ़ नहीं देखी थी। पाकिस्तान में कम से कम 110 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से 72 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान में 33 मिलियन से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। सरकार तो पाकिस्तान को बर्बाद कर ही रही है और प्राकृतिक आपदाओं ने भी वही बेड़ा उठा रखा है।